I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. दयाशंकर तुम्हारा तार कभी तुम्हें पढ़ के सुनाओ ना। किसका तार है? रमा के बारे में। क्या है, उसने इंदर से शादी कर ली? नहीं। तो मैं प्रकाश, तुम्हें पढ़ के सुना दो बेटा। क्या हुआ? क्या है प्रकाश, मुझे दे दो प्रकाश, मुझे दे दो, मुझे दे दो। कबीर, कबीर, सब सब काला होता जा रहा है। कबीर कबीर, सब सब अंधेरे में डूबता जा रहा है। कबीर कबीर कबीर, मैं अंधा हो गया। कबीर कबीर, मैं बिल्कुल अंधा हो गया। कबीर नमस्ते मामा जी। नमस्ते। सुनो, मुझे खबर मिली है कि नंदलाल के पास कोई लड़की ठहरी हुई है। जी हाँ। तुमने देखा उसे? कौन है वो? जी ये तो मालूम नहीं। उम्र क्या, देखने में कैसी है? 25-26 की होगी, सूरत भी अच्छी है। सूरत तो मैं बिगाड़ता हूँ उसकी जाके। सुधा, ओ सुधा। क्या है भैया? मेरे कपड़े निकाल दे, मैं तब तक नहा लेता हूँ जरा। तुम नहाते थोड़ी हो भैया, नहाने का नाम करते हो। अरे जिसका तन मन साफ हो उसको नहाने के लिए पूरे पानी की दरिया की जरूरत नहीं होती है, एक लोटा ही काफी है। तन मन साफ हो तो क्या ये छितरा बनियान पहनना भी जरूरी है? देखो आज अगर अपने लिए बनियान नहीं लाए ना तो मैं शाम की गाड़ी से चली जाऊंगी। नहीं, नहीं, मैं आज बनियान लेकर आऊंगा, पक्का वादा। ये पक्का वादा तो कल भी किया था। नहीं वो थोड़ा कच्चा। कौन है? अरे कौन है भाई? मामा जी आप? प्रणाम मामा जी। मेरे मामा जी पंडित प्रभाकर चतुर्वेदी, संगीत शास्त्री। क्या नाम है तुम्हारा? सुधा शर्मा। तुम चुप रहो, तुमसे पूछा मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? सुधा शर्मा। ब्राह्मण हो? गौत्र? हाँ, मामा जी पटरी क्यों बदल रहे हो? कह रहा हूं कि अपनी सुधा है और आपने गोत्र पूछना चालू कर दिया। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, लड़की का बहन बेटी का रूप ही भूल गए हैं लोग। तू क्या खड़ी है? मामा जी के पांव छू, मामा जी के पांव छू। अरे आगे बढ़। चाचान। लैला बेटी, कब आई बेटा? अभी। अब कुछ देर होगी ना बेटा? मेरा बस चले चाचान, तू जिंदगी भर ना जाओ। आपकी देखभाल के लिए कोई तो हो। अरे लच्छा जो है वो वक्त की रोटी तो पका ही देती है। सर अब मैं यही रहूंगा आपके पास। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे पिता समान हैं सर, अगर इस वक्त मैंने आपकी देखभाल नहीं की तो, और फिर मेरे आगे पीछे तो कोई बंधन है ही नहीं। मान जाइए ना चाचा, प्रकाश भैया आपके पास रहेंगे तो मुझे भी वहां तस्कीन होगी कि आप अकेले नहीं हैं। 3-4-5 भैया तुम एक
बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई भैया। मुसीबत? क्या मतलब? मामा जी मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। झूठ तो बोल नहीं सकती और सच। अरे यही तो बुढ़ापे की खराबी है, जब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं रह जाता तो लोग दूसरों की जिंदगी कुरेदने लगते हैं। तुम फिकर मत करो, दफ्तर में चल के बैठो, मैं अभी आया, हाँ सब ठीक हो जाएगा। टिकट टिकट मगरू जाने दे गाड़ी। आप यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं? जी। आपकी तारीफ? इंदर सक्सेना, मैं उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता करने आया। ओ, आइए मेरे दफ्तर में आइए। क्या आप जीवन बीमा से संबंध रखते हैं? जी नहीं। बैठिए। तो फिर पत्रकार होंगे किसी अखबार के? जी नहीं, मैं उस लड़की के बारे में पता कराने आया हूँ जो उसी गाड़ी में थी। तो वो अब तक घर नहीं पहुंची? वो तो नहीं पहुंची, लेकिन उसके बारे में तार जरूर पहुंच गया है। मैं रमा शर्मा की बात कर रहा हूँ, क्या आपने उसकी लाश को पहचाना? 7-8 लाशें तो बिल्कुल पहचानने लायक नहीं थी, पर उनका बैग मिला था ना, इसलिए हमने। बैग मिलने से कैसे साबित हो गया कि रमा उसी डब्बे में थी? देखिए, वो बैग खुद दिल्ली का टिकट लेकर दिल्ली तो नहीं जा रहा था, और ये भी नहीं हो सकता कि उसने रमा देवी का खत भी चुरा लिया हो। Don't try to be funny. कभी ये भी सोचा है कि उस तार का असर किसी पर क्या हो सकता है? अरे साहब, तार पुलिस ने दिया था, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? जहाँ एक्सीडेंट हुआ वो यहाँ से कितनी दूर है? कोई 10 मील। कार जाती वहां तक? जी हाँ। थैंक यू। बाप रे, ये तो तूफान मेल था। अरे सुधा, सुधा। हाँ भैया। अरे यहाँ क्यों खड़ी है, क्या बात है? कुछ नहीं भैया। रमा? वो आदमी कौन था? पड़ोसी। घर में कौन कौन है? सर पिताजी हैं। मैं भी उनको तार करता हूँ। भैया सर देखा था, उनके लिए मेरा मर जाने अच्छा है। क्या बात है रमा, क्या बात है? यही मेरी कहानी। तुम बताओ भैया, इस हालत में मैं पिताजी के सामने कैसे जाऊं? मेरा दिल तो बहुत जी जा रहा है भैया, मैं जाने वो कैसे हैं, किस हालत में है, बस किस तरह ही पता चल जाए कि उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया तो भागते हुए चले जाऊं। वो मेरे बिना जी नहीं सकते, मेरे बिना जी नहीं सकते। अच्छा रो मत, रो मत, मैं छुट्टी लेकर चला जाता हूँ और तेरी तरफ से उनको देख कर आता हूँ, ठीक है? तुझे मेरी आंखों पर तो भरोसा है ना, है? मैं मामा जी को समझा दूंगा, तू उनके साथ बंबई चली जा, है? मैं चला जाता हूँ। प्रकाश, मैं वहीं से आ रहा हूँ। कहाँ से? वहीं जहाँ रमा जी का एक्सीडेंट हुआ था। फंक गया था। रमा जी की आत्मा से माफी मांगने? नहीं नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि रमा मर गई। तेरे मानने या ना मानने से होता ही क्या है, रमा जी थी क्या तेरे लिए? साइक्लो ट्रॉफी में से एक ट्रॉफी, 1 रुपए का एक नोट। मैं इस वक्त तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा प्रकाश। तू हमेशा समझता था ना कि मेरा दिल मेरी जेब में है, मैं भी यही समझता था, लेकिन अब पता चला कि मेरा दिल मेरे सीने में ही है। रमा पैदा हुई तो मेरे घर वालों के मुंह उतर गए। चाचा चाय लीजिए। तुम बुलाई बेटा, लच्ची कहाँ है?
वो घर चली गई चाचा। और मेरी चाय? दो हाथों में तीन प्यालियां कैसे लाती? और सैकरीन भी नहीं है, आधी प्याली मिलेगी बस। नमस्कार, प्रोफेसर दयाशंकर शर्मा जी का बंगला यही है? जी हाँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा नाम है नंदलाल, नंदलाल चतुर्वेदी। प्रोफेसर साहब के दर्शन कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, अंदर आइए ना। थैंक यू सर। ये है नंदलाल चतुर्वेदी, आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम। अरे 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 अरे, जीते रहो बेटा, जीते रहो, बैठ जाओ। आपकी आंख? अंधा हो गया हूं, कहो क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बस शर्मा जी, आपने चरण छूने दिए, यही बात है। बस चाय पीने की बड़ी बुरी आदत है मुझे, वो रात रात ड्यूटी देनी पड़ती है ना बिटिया। अरे वाह, आवाज सुनते ही आप ताड़ गई कि चाय मंगवाई है। आपका भी कमाल है रमा जी। मेरा नाम लैला है। पर यह आपको किसने बताया कि मेरे बेटी का नाम रमा था? पहले तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, पर रमा जी के बारे में बात निकालने का और कोई तरीका समझ में नहीं आया। बात है शर्मा जी, मैं उसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूं जहां से कुछ आगे बढ़कर यह एक्सीडेंट हुआ था। रमा जी के बारे में तार मैंने ही दिया था। खैर, वो तो मेरा फर्ज था, लेकिन रमा जी की लाश नहीं मिली थी, सिर्फ एक हैंडबैग मिला था। इसलिए तार देने के बाद भी बार बार यही ख्याल आता रहा कि शायद वो जिंदा है। आपने नाहक तकलीफ उठाई, वो एक्सीडेंट से पहले ही मर चुकी थी मेरे लिए। मामा जी, मामा। भैया। अरे ये क्या, सर पटापट के रो रही थी क्या? दत्त, चलो ना मेरे साथ आओ। बात क्या है भैया? अरे भैया, पिताजी कैसे हैं? अच्छे अच्छे थे, आराम से थे। ऐसे नहीं भैया, शुरू से बताओ। वहां जाके तुमने घंटी बजाई होगी, फिर किसी ने दरवाजा खोला होगा, फिर तुम अंदर गए, वो सोफा सेट अभी तक वही होगा बीच कमरे में, उसी पर शॉल ओढ़े पिताजी बैठे होंगे उदास। हाँ, सोफा वही है बीच कमरे में, उसी पर पिताजी शॉल ओढ़े बैठे हुए थे, पर वो उदास नहीं थे। नहीं, 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 उदास तो वो बिल्कुल नहीं थे। और एक मोटी सी लड़की मुंह में पान भरे बकबक किए जा रही थी, बकबक किए जा रही थी। क्या नाम था उसका, मैं भूल गया। हाँ, लैला, लैला। उसका बाप तो उससे भी मोटा था, अपने बाप को घुड़कने के लिए जैसे ही वो मुटल्लो पलटी तो पीक साड़ी पर गिर पड़ी, और तुम्हारे पिताजी उसको देखकर इतना जोर से हंसे, इतना जोर से हंसे कि मैं बता नहीं सकता। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, पिताजी ने मुझे अपने पास बिठाया, लैला ने मुझे चाय पिलाई और काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। मेरी कोई बात नहीं हुई? लो, एक अनजान आदमी के सामने तेरी बातें कैसे करते। लेकिन तू परेशान मत हो, वो ठीक ठाक और मजे में है। हाँ, मैं जरा मामा जी से मिल के आया। बेटी। मामा जी, आप मुझे संगीत सिखाएंगे? हाँ। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ मामा जी। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.